हेलो गाइस मैं आपको यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे वेलकम करती हूँ आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ पाकिस्तान हफीज़ चालंद्री सो लेट्स स्टार्ट हफीज़ चालंद्री वाज वन ऑफ द ग्रेट पाकिस्तानी पोइट्स कलेक्टेड मच फेम अक्रॉस द कंट्री हफीज़ चलन्धरी पाकिस्तान के ग्रेट पोइट थे जिन्होंने पूरे कंट्री में बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी फोरटीन नाइनटीन हंड्रेड इन राजपूत फैमिली इन जालंधर पंजाब ब्रिटिश इंडिया वो फोटीन जनवरी नाइनटीन हंड्रेड में पंजाब की एक सिटी जालंधर में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे आफ्टर इंडियाज़ पार्टीशन इन नाइनटीन फोटी सेवन नाइनटीन फोटी सेवन में इंडिया की पार्टीशन के बाद ही माइग्रेटेड टू पंजाब सिटी लाहौर वो पंजाब की एक सिटी लाहौर में जो कि पाकिस्तान में है वहाँ मूव करके वो तो अ पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज पोइट वो पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज के पोइट थे लिरिक्स national anthem ऑफ़ पाकिस्तान एंड नेशनल anthem ऑफ आज़ाद कश्मीर जिन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एंथम की लिरिक्स uh, की और आज़ाद कश्मीर के नेशनल एंथम की लिरिक्स भी लिखी हिज़ फिज़ फादर्स शमसुद्दीन वॉज अ मेमोराइजर ऑफ द कुरान उनके फ़ादर शमसुद्दीन जो थे वो uh, हाफिज कुरान थे हिज़ एजुकेशन हीज़ अर्ली एजुकेशन फ्राम द मोस्ट उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मस्जिद Uh, से हासिल की एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू गेट रेगुलर एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल द दैव ग्रेड और उसके बाद वो uh, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली रेगुलर एजुकेशन के लिए स्कूल से मतलब तो तो वो स्कूल गए और उन्होंने सेवंथ ग्रेड uh, तक पढ़ा इट मीनस कि उन्होंने सेवंथ क्लास तक अपनी एजुकेशन हासिल की द होम एन्वायरमेंट वॉज ऑल्सो रिलीजियस उनके घर का एन्वायरमेंट जो था वो रिलीजियस था मस्वी था देर फॉर द रिलीजन ऑफ इस्लाम इनलाइटेंड हिज हार्ट फ्रॉम चाइल्ड यही वजह थी कि हफीज uh, चैलन्ध्री का जो uh, उनको भी नॉलेज uh, हो गया रिलीजन ऑफ इस्लाम के बारे में बहुत सारा फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड इट वॉज दिस पैशन डेट मेरी मा पोइट और यही पैशन था यही वजह थी कि वो एक पोइट बन गए हिज करियर हफीज़ चैल्द्रीज़ लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड कुड नॉट हफीज चलंद्री की जो लाइफ थी वो फुल ऑफ स्ट्रगल थी एंड कुड नॉट एन एंड और वो उनकी मतलब लाइफ के एंड तक उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स जो है वो चलती रही ही इट इज़ फर्स्ट जॉब इन द रेलवेज उन्होंने अपनी पहली जॉब जो है वो रेलवे में की एंड कंटिन्यू हिज राइटिंग वर्क लेकिन उन्होंने अपने वर्क जो है वो उसको कंटिन्यू किया उन्होंने जॉब भी की और अपना वर्क भी साथ साथ वो लिखते रहे ही रोट मिनी जर्नल्स उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स लिखे एंड मेरा नेम वो हिमसेल्फ और उन्होंने खुद के बल पर अपना एक नाम बनाया ही हैज़ ऑल्सो बीन वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट फॉर डिफरेंट मैगजीन्स उन्होंने डिफरेंट मैगज़ीन्स के लिए एज अ जर्नलिस्ट भी वर्क किया लाइक like हज़ार दास्तान एंड मुखसन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू ही परफॉर्म दिज ड्यूटीज एज अ पब्लिसिटी ऑफिसर इन द मिलिट्री। वर्ल्ड वार टू के दौरान उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की एज अ पब्लिसिटी ऑफिसर मिलिट्री में फॉर्द उसके बाद फोटी एट मेंज्ड इशू वॉज क्रिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान और इंडिया के दौरान एक ना हाल होने वाला मसला जो है वो पैदा हो गया उन्होंने इस कश्मीर इशू जो के, जो कश्मीर इशू था जो कि अब तक चल रहा है हफीज़ जलंधरी आल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द फ्रीडम ऑफ कश्मीर और हफीज जलंधरी ने इस आ, आ, कश्मीर की आज़ादी के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पोइटिक कैरियर ही हैज़ बीन स्टडाइंग अंडर द टीचिंग एंड डायरेक्शन ऑफ पोइट मौलाना गुलाम कदीर बिलग्रामी फ्राम वेयर ही गोट अ प्योर सेंस ऑफ पोइट्री दट लेट हिम टू अ वेरी प्रोग्रेसिव वेयर ही कैन प्रिपेयर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान उन्होंने मौलाना गुलाम कदीर बिलग्रामी जो कि एक टीचर भी थे और एक पोइट भी थे उन्होंने उनको सिखाया उन्हीं से उनको पोइट्री की सेंस मिली कि पोइट्री को जो है वो राइट किस तरह करना है और उन्हीं से उन्हें प्रोग्रेस मिली आगे पोइट्री में और यही वरह थी कि उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी प्रिपेयर किया मौलाना गुलाम कदीर बिलग्रामी की टीचिंग्स की और उनकी डायरेक्शन देने की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिली और जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्रिपेयर किया और उनको पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली हफीज रंदी उन पौ़िट्री उन पौ़िट्री पौ़िट्री फोकस ऑन पोइट्री उन्होंने पोइट्री पर फोकस किया एंड एंड वर्स फर्दर ही फोकस ऑन टू स्पेशलाइजेशन पोइम एंड गज़ल अब पोइटरी में उन्होंने सब ज़्यादा फोकस जो है वो पोइम नज्मों और गजलों गजल मतलब नजमों और गज़लों पर उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया इस पोइम्स याशियटेड विद ग्रेट वाम उनकी जो गज़लें थीं और आ, जो थीं और पोइम्स उनको बहुत ज़्यादा अप्रीशियेट किया गया ग्रेट वाम मतलब गर्म जोशी से बहुत ज़्यादा अप्रेशिएट किया गया स्पेशली इन उर्दू गीत जो उर्दू के गीत उन्होंने लिखे थे फीज स इज़ कंसीडर्ड सकिन आफ्टर अजमतुल्ला खान उर्दू गीत जो उन्होंने लिखे थे उनकी वजह से फिर चंद्री को जो है वो सकिन अजमतुल्ल्ह खान कहा जाता है वो भी एक पोइट थे और वो भी जो है वो इस तरह उर्दू के गीत लिखते थे ही हैज़ रिटन मेनी सॉन्ग्स एंड पोइम्स फॉर चिल्ड्रन उन्हें बहुत सारे सॉन्ग्स और पोइम्स लिखे हैं चिल्ड्रन के लिए हफेज़ सलन्द्री ने द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ वी जनरीज़ इस शाह इस्लाम उनका जो सबसे फेमस वर्क था वो था शाह इस्लाम इट ऑफ फोर पार्ट्स जो फोर पार्ट्स पे uh, मुश्तमिल है इस डील्स विद द थीम्स लाइक रोमेंटिकॉटिक रेजियस नेचुरलिस्टिक एंड पेनफुल अब उनकी पोइटी में जो थीम्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो है जो है यहाँ पर पे रोमेंटिक पेट्रियोटिक रिलीजियस नेचुरलिस्टिक एंड पेनफुल दैन इज मैरिज एट द एज ऑफ सेवनटीन सत्रह साल की उम्र में हफीज़ मेरिड इज़ कज़न जीरत बेगम उन्होंने अपनी कज़न जीरत बेगम से शादी कर ली फ्रॉम होम ही डोटर्स जिन जिनसे उनकी सात बेटियाँ हुई नोस और कोई बेटा नहीं हुआ इन नाइनटीन थर्टीटी थर्टी नाइन में अगेन ही रीमेरिड हुआ उन्होंने दूसरी शादी की बट दून एंड लेकिन उनकी डाइवोर्स हो गई फाफ्ते नामा तलखाबा शिरी शहनामा इस्लाम नगमा जार सोजो साज ये उनके फेमस वर्क थे जिन्होंने अपनी लाइफ में लिखे दन अवॉर्ड्स फर्स्ट टाइम बाई दिलेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फर्स्ट अवार्ड जो मिला वो हिल इम्तियाज का मिला जो उनको पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने दिया ड्यू टू हिज लिटेरी वर्क एंड पेट्रियटिक सर्विसेज फॉर पाकिस्तान उनके जो लिटरेरी वर्क थी और उन्होंने उनको जो पेट्रियटिक सर्विसेज की थी पाकिस्तान के लिए इनकी वजह से उनको हिलाल इम्तियाज का अवार्ड दिया गया बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया 1958 में देन हिज डेथ ही पास अवे ऑन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एटी उनकी दिसंबर 21 1982 में डेथ हो गई ही वाज एम्बरी इन मॉडल टाउन लाहौर उनको मॉडल टाउन लाहौर में जो है वो दफन किया गया एंड आफ्टर सम टाइम और उसके कुछ अर्से के बाद इस बॉडी वाज शिफ्टेड टू तो अ श्राइन नियर मीनार पाकिस्तान उनकी बॉडी को जो है वो मीनार पाकिस्तान के करीब एक श्राइन में वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया दिस डेथ उनकी डेथ के साथ चैप्टर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर वर्क क्लोज एक नॉलेज uh, मतलब इल्म और लिटरेचर का जो चैप्टर वो क्लोज हो गया बट इस नॉलेज विल कंटिन्यू टू इरिगेट अस लेकिन उनका नॉलेज जो है वो अभी भी हमें इरिगेट कर रहा है हमें सप्लाई हो रहा है हमें मिल रहा है उनका नॉलेज अभी भी हम उनका नॉलेज पढ़ रहे हैं डेट्स ऑल एंड ये था हमारा आज का टॉपिक एंड जिस तरह मैं पहले मतलब uh, लेक्चर्स में आपको बताया कि मैं हमेशा जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हमारे सामने नोट्स होंगे ना अगर हमारे सामने मतलब लिखा हुआ होगा तभी हम उसको अच्छे से समझ सकेंगे क्योंकि अगर आपके सामने नोट्स नहीं है अगर आपके सामने लिखा हुआ नहीं है ऐसे ही आपको बताया जा रहा है तो फिर आपको वैसे समझ नहीं आएगी इसलिए मैं जो है वो नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ इसी से इजी लिखा हुआ होता है ताकि आपको समझ आ सके एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं मतलब आपको लेक्चर अच्छा लगता है पसंद आता है तो आप उसको लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें थैंक यू